नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार चार खालिस्तानी आतंकियों को आज मोहाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इनमें से 2 को मोहाली बस स्टैंड, 1 को लुधियाना और 1 अन्य आतंकी को जलंधर से गिरफ्तार किया गया था। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वही पुलिस ने इन आतंकियों के बब्बर खालसा और खालिस्तानी फोर्स के साथ कनेक्शन होने की भी बात कही है। मोहाली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी पुलिस और इंटेलिजेंस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत संभव हो पाई है। फिलहाल इन्हें मोहाली CIA स्टाफ की कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट से आतंकियों की 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इनसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वही पुलिस ने चारों खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी को मोहाली पुलिस और इंटेलिजेंस का जॉइंट ऑपरेशन बताया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इन आतंकियों का बब्बर खालसा और खालिस्तानी फोर्स से कनेक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑपरेट करते ही हैं काफी टाइप के, क्योंकि इनके कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए, तो दे आर टच विद सोशल मीडिया, इन टच विद सोशल। कोई इंटरनेशनल नेटवर्क भी इनका सामने? डेफिनेटली। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था और वो पाकिस्तान से हथियार लेकर आ रहे थे और वो कैनेडियन जो खालिस्तानी वो है रेडिकल्स, उन्होंने अवेलेबल कराए थे हथियार, तो क्या इनका कुछ कोई? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सारे के सारे पुलिस रिमांड पे, कंप्लीट पुलिस रिमांड होने के बाद क्या कहाँ पे क्या लिंक इनके निकलते, देन वी कैन सी समथिंग। सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑपरेट करते ही हैं काफी टाइप के, क्योंकि इनके कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए, तो दे आर टच विद सोशल मीडिया, इन टच विद सोशल। कोई इंटरनेशनल नेटवर्क भी इनका सामने? डेफिनेटली। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था और वो पाकिस्तान से हथियार लेकर आ रहे थे और वो कैनेडियन जो खालिस्तानी वो है रेडिकल्स, उन्होंने अवेलेबल कराए थे हथियार, तो क्या इनका कुछ कोई? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सारे के सारे पुलिस रिमांड पे, कंप्लीट पुलिस रिमांड होने के बाद क्या कहाँ पे क्या लिंक इनके निकलते, देन वी कैन सी समथिंग। इन चारों आतंकियों से पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालात का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने। पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 जो आतंकी हैं उनको मोहाली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है और 2 को गुरदासपुर और लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। 4ों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और पूछताछ फिलहाल जो लगातार जारी है और ये जाना जा रहा है कि आखिरकार इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, विदेशों तक तार जुड़े हैं, रेडिकल फंडिंग इनको हो रही है या नहीं हो रही है, और पंजाब में कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं। ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस जो जांच कर रही है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया पर इनकी तरफ से जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के नीचे काम किया जा रहा है और लोगों को उनके साथ जोड़ा जा रहा है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिरकार इनके तार और कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रबोध के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली।